कंडीशंस एंड वारंटीज. वारंटी क्या होती है? वारंटी क्या होती है? आफ्टर सेल सर्विस होती है कि अगर आपके गुड्स को कुछ खराब हो जाए तो उसको रिपेयर वगैरह करके देते हैं. अभी तक तो यही सुना होगा वारंटी के लिए. बताओ कि इसके अलावा कुछ और सुना है? यही सुनिए है ना. तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं. ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, हम उसको पढ़ेंगे. कंडीशंस एंड वारंटीज. अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये एकदम एसेंशियल होता है. किसके लिए? फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस. अगर उन कंडीशंस को कोई ब्रीच कर रहा है, ठीक है, ब्रीच मतलब कैंसिल कर रहा है, तो सामने वाले को राइट मिलता है कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, रेप्यूडिएट कर दे, मींस कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, और डैमेजेस के लिए क्या करे, क्लेम करे. सपोज इसका एक एग्जांपल देखो. पी गोज टू आर, एक हॉर्स डीलर है, एंड सेज आई वांट अ हॉर्स विद हॉर्स विच कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. द हॉर्स डीलर पॉइंट्स आउट इट पर्टिकुलर हॉर्स एंड सेज This will suit you. P buys the horse. Later P find that the horse can run only at a speed of 20 km/h. देखो उसका कंडीशन क्या था, 30 किलोमीटर वाला, ठीक, और उसको दिया कितने वाला, 20. तो उसकी कंडीशन क्या हुई, जो कंडीशन थी उसकी वही तो मेन थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. वो इसीलिए ही तो उससे परचेज कर रहा था कि उसको इतनी स्पीड वाला ही हॉर्स चाहिए. तो उसकी मेन कंडीशन ही क्या हो गई, ब्रीच. देयरफॉर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. ये देखो, पी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द हॉर्स टू आर एंड गेट बैक द प्राइस. तो कंडीशन समझ में आया सबको? यस मैम. और कहीं पे डाउट है किसी को? प्रांजली, हनी, एकता, अपर्णा, डाउट है कंडीशंस में? नेक्स्ट देखो, इम्प्लाइड क्या होता है ये बताओ. इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होंगी? बिना बोल के बताना. हाँ, बिना बोले. बिना बोले हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें एज्यूम करते हैं जो हम सही भी मानते हैं उसको. जैसे कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं, वो इम्प्लाइड रहती हैं कुछ समझने के लिए. अब इसमें रीड करो. देखो, इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड. ये देखो, पहले से ही एज्यूम की जाती हैं बाय लॉ, ठीक है, टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट. आ रहे समझ में? जैसे सपोज अगर हम मार्केट गए, ठीक, अगर आपको कुछ शूज वगैरह लेने हैं, ठीक, तो आप यही एज्यूम करेंगे ना कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. अगर हम अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो, ब्रांडेड अगर ले रहे हैं तो, हम उसको बोलेंगे थोड़ी ना कि रीबॉक में अच्छी क्वालिटी के शूज है ना. अरे रीबॉक है, इट मीन्स क्वालिटी इज देयर. आ रहे समझ में? तो कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती हैं, बट ये एज्यूम की जाती हैं कि ये सारी चीजें उसमें है. नेक्स्ट देखो, इसमें इम्प्लाइड कंडीशंस में भी नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट. हाँ, जब वो आपको एक्सप्रेस ओरली या रिटर्न में बता रहा है कि नहीं ये चीजें इसमें नहीं है, इसमें ये चीजें. जब वो लोग सेल वगैरह करते हैं ना, पर्सनल सेलिंग, तो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अपन पूछते हैं ना कि आप बताओ कौन सा ज्यादा सही है, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं इसमें ये क्वालिटीज है, इसमें ये क्वालिटीज है. तो वही उसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग कंडीशंस को बता भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं. अब देखो क्या क्या कंडीशंस होती हैं. इम्प्लाइड कंडीशंस देखो क्या क्या होती हैं. कंडीशन इज टू टाइटन, ठीक, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. तो देखो जब वो सेल करते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ ना
जब हम लोग सेल करते हैं तो हमको डिस्क्रिप्शन देते हैं हर चीज का, इसमें ये क्वालिटीज है। तो देखो डिस्क्राइब करके भी सेल करते हैं, उसके सैंपल्स दिखा के भी सेल होते हैं, दोनों तरीके से, सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन से भी होता है। कुछ कुछ कंडीशंस क्या होती है उसमें, क्वालिटी की होती है या फिर फिटनेस की होती है या सारी चीजें होलसमनेस, या कंडीशन एज टू टाइटल को लेकर भी। नेक्स्ट देखो इसमें, देखो कंडीशन और वारंटी क्या डिफरेंस है। आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना के देगा तो यही पूछेगा कंडीशन के साथ वारंटी का। इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या है, इट इज कॉलेट्रल। अपन इसको ना एक सेकेंड, वारंटी क्या होता है पहले वो देखो। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू एग्रीव्ड पार्टी अ राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में क्या होता है, अगर आपकी वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है तो आप डैमेज के लिए केस कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड या कैंसिल नहीं कर सकते हो। किसमें, वारंटी में। और इसके अपोजिट जब कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन ब्रेक हो रही है तो कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और केस भी होता है। लेकिन वारंटी में हम सिर्फ डैमेज के लिए केस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड या कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कोलेट्रल मीन्स क्या होता है, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? नहीं होता है, है ना। तो यही एक डिफरेंस होता है गारंटी में और वारंटी में। वारंटी गुड्स की दी जाती है और गारंटी इंसानों की ली जाती है, ह्यूमंस की, ठीक है। तो वारंटी क्या होता है, एक तरीके से कोलेट्रल होती है, मतलब सिक्योरिटी या गिरवी करने का काम रखती है, करती है किसका, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। जिसके ब्रीच से सामने वाला क्या कर सकता है, डैमेज के लिए फाइल कर सकता है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता है। देखो इसमें एग्जांपल क्या दिया है, एक फार्मर है सपोज, उसको सोयाबीन का प्लांट डालना है, तो वो क्या हर्बिसाइड्स लेने जाता है, और बायर क्या करता है, लेकिन क्वेश्चन में देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या बना के दिया है, बट द सेलर सजेस्ट लेस एक्सपेंसिव। फार्मर एक्सपेंसिव लेने के लिए रेडी है, लेकिन जो सेलर है ना वही उसको बोल रहा है इतना महंगा लेके क्या करोगे, सस्ते वाला लो, काम हो जाएगा। लेकिन उस केमिकल की वजह से ना उसमें कीड़े भी लग गए और उसकी फसल भी देखो कम हुई सोयाबीन की। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मर क्या कर सकता है, सेलर के ऊपर केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ वारंटी की, किसकी, फिटनेस की। उसकी फसल तो खराब हो गई ना और कम हुई, उसने मांगा था जिस कंपनी का, उसने उसको ना देखे दूसरा लो क्वालिटी का सस्ता वाला दे दिया, लेकिन सेलर को तो पता था ना फार्मर को क्या चाहिए, फिर भी उसने उसको बेचा, तो इसमें क्या हो गई, ब्रीच ऑफ वारंटी। नेक्स्ट देखो, क्या होता है ब्रीच ऑफ वारंटी में, देखो व्हेन बायर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस। बायर कौन है, मैम, जो गुड्स खरीद रहा है। हाँ, फिर क्या लिखा है, व्हेन बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड डज नॉट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। ये पढ़ो कंडीशन सारी ब्रीच ऑफ वारंटी की। देखो ऐसे पढ़ते हैं अपन, कंसिक्वेंसेस को लेके पढ़ते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे।
देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके इफेक्ट्स, ठीक। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। देखो अगर कोई कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और ब्रीच ऑफ वारंटी को, सपोज इफ अ कंडीशन इज ब्रोकन तो अफेक्टेड पार्टी जो है, अफेक्टेड पार्टी क्या करेगी, रेप्यूडिएट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को। रेप्यूडिएट मीन्स व्हाट, कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होगा इसमें, और ये लोग ऑल्सो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है गुड्स, ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट द गुड्स। नेक्स्ट ये और क्या कर सकता है, जो अफेक्टेड पार्टी है ठीक, वो क्या कर सकती है, क्लेम द डैमेजेस कर सकती है। नेक्स्ट देखो मतलब क्लेम डैमेजेस क्या होता है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कंडीशंस के, देखो। हाँ इसमें एक चीज और ऑप्शन रहता है अफेक्टेड पार्टी को, वो चाहे ना तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ऑप्शन होता है, ट्रीट कर सकती है एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। और अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगी तो इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी कैंसिल्ड। ये आ रहा है समझ में, अगर वो चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसे ट्रीट कर सकती है, तो लेकिन जब वो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगी इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगी। और हाँ अगर इसमें जिसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है अगर वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए और मेरे को इसके लिए अगेंस्ट में रेमेडी दी जाए, तो कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आपने मेन पर्पस को ही क्या किया है, ब्रीच किया है। अब से नेक्स्ट देखो, ब्रीच ऑफ वारंटी में अगर कोई पार्टी ब्रीच होती है वारंटी की, तो जैसे इसमें अफेक्टेड पार्टी क्या कर सकती थी, रेप्यूडिएट कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैंसिल कर सकती थी और रिजेक्ट कर सकती थी गुड्स। इसमें क्या हो सकता है, गिव्स राइट टू क्लेम द डैमेजेस। नेक्स्ट देखो और क्या कर सकती है, बट इसको कोई राइट नहीं मिलता है, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, गुड्स रिजेक्ट करने का इसके पास कोई राइट नहीं रहता है। और इसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं रहेगी अगर वारंटी फुलफिल करना इम्पॉसिबल रहेगा तो। इसको जिस चीज की वारंटी दी गई थी अब वो सडनली पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए अब उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं रहेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बायर है वो सेलर के अगेंस्ट, ठीक है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के लिए फाइल कर सकता है डैमेजेस के लिए। तो कंसिक्वेंसेस में सिर्फ इतना ही है कि इसमें इसको डैमेजेस के लिए मिल सकता है, और कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। किसी को डाउट है इसमें, देखो तो डिफरेंस बिटवीन क्या होगा कंडीशन एंड वारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट इसमें कैंसिल हो सकता है और स्यू भी कर सकते हैं डैमेजेस के लिए दोनों, लेकिन जो वारंटी है अपना उसमें सिर्फ हम डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते।
सेकंड क्या लिखा है, कंडीशन में भी ट्रेटेड इज वारंटी बट इट इज नॉट पॉसिबल देयर. इसमें वारंटी को कभी भी कंडीशन के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते. थर्ड, कंडीशन क्या होता है, मेन पर्पस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन जो वारंटी क्या है वो कोलेटरल होता है किसका, मेन पर्पस का. मतलब ये जो मेन पर्पस मिला के कंडीशन बनती है, ये उसी मेन पर्पस को क्या प्रोवाइड करवाता है, कोलेटरल मींस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. यहां तक क्लियर है सबको? ये लिखा है कंडीशन क्या है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस, और वारंटी क्या होता है, कोलेटरल होता है किसका, मेन पर्पस का. मतलब इसी कंडीशन का जो मेन पर्पस है उसको वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है. पर्पस को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वारंटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. एग्रीव्ड पार्टी हैव अ राइट टू रेप्यूडिएट एंड क्लेम, इसमें सिर्फ क्लेम मिल रहा है. दिस कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशंस. तो ये थे इसके डिफरेंस बिटवीन. आगे देखो इसमें, कौन कौन सी वारंटीज इंप्लाइड होती हैं, इंप्लाइड वारंटीज इसमें देखो. वारंटी एस टू क्वाइट पोजिशन, फिर वारंटी एस टू गुड्स टू बी फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस. किस किस चीज के लिए वारंटी मिल सकती है, वारंटी पोजिशन के लिए मिल सकती है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मुझे किसी ने बोला था कि कंडीशन को हम वारंटी के जैसे ट्रीट कर सकते हैं. व्हेन कैन अ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, तो इसमें क्या होगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन को, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाता है. पहला देखो इसमें क्या है, वॉलेंट्री केसेस, मतलब इसमें उसकी मर्जी है, बायर की वॉलेंट्री है, उसके लिए उसके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि वो कंडीशन को वारंटी जैसे ट्रीट करे. क्यों, जब उसको ना बेनिफिट दिखने लगता है उसके यूज में, ठीक है, वो एक आध बार अगर उसने उसका यूज किया होगा तो उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश हो गया होगा उस प्रोडक्ट के, तो उसको लग रहा होगा ठीक है, अगर मेन पर्पस फुलफिल नहीं हुआ बट प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने बेनिफिट के लिए. तो ऐसी चीजों में उसके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि वो क्या कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करे. तो ऐसे में वो क्या करता है, वॉलेंट्री केसेस में पहला देखो, वेव कर देता है कंडीशन को, जो कंडीशन होता है ना उसको ही वेव कर देता है. वेव कर देना मतलब रिमूव कर देना या फिर हटा देना. इट मीन्स कुछ जो कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, तो बायर क्या कर सकता है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देके अपने गुड्स को अपने लिए यूज कर सकता है बेनिफिट के लिए, ठीक. और ऐसा जो वेवर है वो उसको बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा या फिर इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मीन्स ओरली या रिटन बताना पड़ेगा, इम्प्लाइड मीन्स उसका नेचर या उसका बिहेवियर खुद ही एक्सप्लेन कर देगा, ठीक. लेकिन एक बार अगर बायर ने कंडीशन को वेव कर दी तो नेक्स्ट टाइम वो उसको फिर से नहीं गेन कर पाएगा. मतलब अगर आपने एक बार कंडीशन कर दी, वेव कर दी, तो आप उसको फिर से रीगेन नहीं कर पाएंगे. फिर ऑप्शन टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये तो ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल रहता है. इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करके, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करके वो क्या कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस के लिए फाइल कर सकता है. ये वॉलेंट्री केसेस था. सेकेंड है कंपल्सरी केसेस, कंपल्सरी केसेस में क्या हो जाएगा, सपोज उसको कोई परफॉर्मेंस के लिए उसने बोला होगा और वो उसमें नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो गुड्स ऐसा है ना कि उसका 50% पोर्शन जो है वो तो फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, लेकिन जो 50% पोर्शन है वो नहीं फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, और गुड्स को ना डिवाइड भी नहीं कर सकते, गुड्स इनडिविजिबल है. तो ऐसे तो नहीं कि वो क्या बोलते हैं, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो फुलफिल नहीं कर रहा है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और ये वाला कंटिन्यू करे, नहीं. कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या तो पूरा करो या तो बिल्कुल मत करो.
इंडिविजिबल होता है. तो 50% अगर आपकी कंडीशन पूरी हो रही है और 50% नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि एटलीस्ट 50% तो पूरा हो रहा है और इसमें सामने वाले की भी गलती नहीं है, तो आप उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करेंगे, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट करेंगे. आ रहा है समझ में? यस मैम. ठीक, तो जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं हो, कुछ पार्ट्स में ऐसा हो, तो ऐसा कर सकते हैं. तो ये दो कंडीशंस होती हैं जब सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस, जिसमें हम कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं. पहला था वॉलेंट्री, वॉलेंट्री में दो था, एक कंडीशन को वेव कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम बाद में उस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने वेव कर दिया. सेकेंड, आप सिर्फ डैमेजेस के लिए फाइल करूँ. फिर क्या है कंपल्सरी केसेस में, जब गुड्स डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, और 50% आपका काम पूरा हो रहा है और 50% नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करना पड़ेगा. और देखो इसके अलावा काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज, वो क्या होता है? काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होगा? देखो काइंड्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज. तो कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होंगी एंड वारंटीज होंगी, कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस होंगी एंड वारंटीज. ठीक, तो कुछ होंगी एक्सप्रेस और कुछ होंगी इम्प्लाइड. तो एक्सप्रेस क्या होगी पहले ये बताओ, एक्सप्रेस कंडीशंस या वारंटीज क्या होंगी? जो नॉन जो रिटर्न, जो रिटर्न और ओरल से हो. हाँ, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया था, जब आप बायर और सेलर कर परचेज या सेल कर रहे थे, तो उस समय आपने कुछ कंडीशंस रिटर्न या ओरल मेंशंस की होंगी, तो वो होंगी एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटीज. लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके लिए ये एज्यूम किया जाता है कि वो पहले से ही रहेंगी. ठीक, तो वो कौन सी होती है, ये मैंने फर्स्ट में दिखाया था आपको, देखो फिर से. ये कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय प्रिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, बताओ. यस मैम. ये थी इम्प्लाइड कंडीशंस, काइंड्स ऑफ कंडीशंस में. तो हम नेक्स्ट क्लास में अब इसको स्टडी करेंगे. ठीक.